हेलो दोस्तों दोस्तों आज बात करने जा रहा हूँ अब्दुल कलाम के बारे में। तो इनका पूरा नाम था दोस्तों अब्दुल कलाम मुहियाद्दीन अहमद आज़ाद, और ये अब्दुल नाम से काफ़ी फेमस हुए दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों के बहुत बड़े दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता सेनानी, इसके अलावा दोस्तों शिक्षाविद, पत्रकार, लेखक और भारत के ये शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों। तो इनकी जीवनी पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं, इनका जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ दोस्तों, और अब्दुल कलाम भारतीय मुस्लिम विद्वान के रूप में भी काफ़ी फेमस हुए दोस्तों। और इसके अलावा वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी अग्रणी योगदान दिया दोस्तों। और इन्होंने भारत की आज़ादी के बाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक के रूप में भी काम किया दोस्तों, और ये दोस्तों महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन किया दोस्तों अब्दुल कलाम ने दोस्तों। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया तथा वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के सिद्धांत का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं में से एक थे दोस्तों। और इन्होंने खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और 1923 में वे भारतीय नेशनल कांग्रेस में सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं दोस्तों। और ये दोस्तों 1940 और 1945 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, और आज़ादी के बाद वे भारत के सांसद चुने गए और भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला दोस्तों। तो ये था दोस्तों अब्दुल कलाम मोहिनुद्दीन अहमद आज़ाद से रिलेटेड वीडियो दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।